एक मुख्यमंत्री जिसके पॉलिटिकल करियर में राम मनोहर लोहिया को हराना लिखा था, जिसके पॉलिटिकल करियर में राम मनोहर लोहिया के चेले से हारना लिखा था, जो कभी भी लखनऊ की सियासत में दिलचस्पी नहीं रखता था, लेकिन नंबर के गेम ने कुछ ऐसा पलटा खाया कि उसने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली और उसके बाद उसको बुलावा आया गोरखपुर की गोरक्षपीठ के मठाधीश का कि आइए और हमारे यहाँ से उपचुनाव लड़िए। मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ने पहुंचा और हार गया और उसके बाद उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये सब सुनते हुए क्या आपको 14 मार्च 2018 याद आ रहा है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खाली की गई गोरखपुर लोकसभा सीट पर केंद्र में सत्ता पर काबिज, राज्य में सत्ता पर काबिज, नगर निकाय में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को धूल चाटनी पड़ी। ये कौन सा वाकया है जो इतिहास की गर्द झाड़ कर एक बार फिर से जनता के सामने मुखातिब हो गया है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं thelallantop.com के पॉलिटिकल किस्से, जिसमें आज बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे त्रिभुवन नारायण सिंह की हार की। वो हार जिसने त्रिभुवन के तो पॉलिटिकल करियर को खत्म किया ही, गोरक्षपीठ की राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचाई, क्योंकि त्रिभुवन महंत अवैद्यनाथ की खाली की गई मणिराम विधानसभा से चुनाव लड़ने पहुंचे थे। ना तो मठ को अंदाजा था ना मुख्यमंत्री को कि इंदिरा गांधी ने अपने सियासी चौसर पर कुछ और ही पासे फेंकने का इरादा कर रखा है। 1967 में कांग्रेस 9 से ज़्यादा राज्यों में हारी, कई जगह संवित सरकारें बनी, विपक्षी एकता का नया प्रदर्शन हुआ। ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश में भी, जहां चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी लेकिन आपसी तकरार गुटबाजी के चलते 1.5-2 बरस में सरकार गिर गई। 1969 में नए सिरे से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर थी, लेकिन अभी इसका राजनीतिक विकल्प, मजबूत राजनीतिक विकल्प देश के सामने आना बाकी था। जब चुनाव के नतीजे आए तो 425 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस को 211 सीटें मिली, बहुत ही थिन मेजॉरिटी, बल्कि मेजॉरिटी से एक दो सीट कम, लेकिन कुछ निर्दलीय विधायक सामने आ गए और कांग्रेस की सरकार बनी। सरकार की कमान सौंपी गई नेहरू के पुराने वफादार, कांग्रेस के पुराने वफादार, रानीखेत से ज्यादातर चुनाव जीतने वाले चंद्रभानु गुप्ता को। लेकिन 1969 के आखिरी में ही कांग्रेस की संगठन के लोगों से लड़ाई हो गई, वजह बना राष्ट्रपति का चुनाव, और राष्ट्रपति के चुनाव में संगठन के प्रत्याशी की हार के बाद कांग्रेस में दो फाड़ हो गई। एक पार्टी बनी इंदिरा के नेतृत्व में जिसको कहा गया कांग्रेस आर, कांग्रेस रूलिंग, दूसरी पार्टी बनी कांग्रेस ओ, यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। चंद्रभानु गुप्ता ने अपने सियासी आका की तरह संगठन को ठेंगा नहीं दिखाया, वो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बने रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों का एक धड़ा था जो इंदिरा गांधी के प्रति निष्ठावान रहा। इस धड़े का नेतृत्व कर रहे थे कमलापत त्रिपाठी। जब ये धड़ा कांग्रेस के विधायक दल से अलग हो गया तो चंद्रभानु गुप्त की सरकार अल्पमत में आ गई। 69 के विधानसभा चुनाव में 98 सीटें पाई थी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह की भारतीय लोकदल ने। उनको लगा कि ये एक अच्छा राजनीतिक मौका है। कमलापत त्रिपाठी ने BKD के चौधरी चरण सिंह को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। स्वतंत्र पार्टी, कुछ सोशलिस्ट पार्टियां, जनसंघ भी इस जुट में साथ आ गए और चौधरी चरण सिंह की सरकार बन गई। लेकिन 7 महीने के भीतर ही कमलापत त्रिपाठी और चौधरी चरण सिंह की अनबन बहुत ज़्यादा हो गई और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने एक दांव चला, उनको लगा कि ये मास्टर स्ट्रोक होगा, लेकिन ऐसा हो न सका। उन्होंने उस वक्त के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बैजवाड़ा गोपाल रेड्डी से विधानसभा भंग करने की संस्तुति कर दी। रेड्डी को दिल्ली से कुछ और ही इशारे मिल रहे थे। उन्होंने चौधरी चरण सिंह से कहा कि ये संस्तुति वही सरकार कर सकती है जिसे विधानसभा में बहुमत हासिल हो, आप पहले विश्वास मत हासिल करिए, उसके बाद इस तरह की सिफारिश करिए। चौधरी चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा।
ये समझ में आ गया था सबको कि अब चुनाव नहीं होंगे, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, नए सिरे से राजनीतिक गोलबंदियां शुरू हो गईं। ऐसे में नाम सामने आया त्रिभुवन नारायण सिंह का। त्रिभुवन नारायण सिंह गांधीवादी नेता, चंदौली से दो बार सांसद रहे। 57 में तो उन्होंने राम मनोहर लोहिया को हराया था और लोहिया की हार का बदला 1962 में उनके चेले ने लिया। ये 1962 का वाकया है जब राम मनोहर लोहिया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले चुनाव तो लड़े, लेकिन चंदौली के बजाय फूलपुर की सीट से, जहां से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मैदान में थे। चंदौली से उनकी पार्टी के निहाल ने चुनाव लड़ा और लगभग 3,240 वोटों के अंतर से त्रिभुवन नारायण सिंह को मात दी। त्रिभुवन नेहरू परिवार के करीबी थे। इस हार के बावजूद उनके सियासी कद में कमी नहीं आई, उनको राज्यसभा के रास्ते दिल्ली भेज दिया गया और हमेशा से उन्होंने दिल्ली की ही सियासत की थी। लेकिन 1 अक्टूबर 1970 को जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, तब तक हालात बदल चुके थे और त्रिभुवन नारायण सिंह की निष्ठा भी। राष्ट्रपति शासन के दौरान कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल और जनसंघ एक साथ आए और उन्होंने एक नया मोर्चा बनाया। इस मोर्चे का नाम था संयुक्त विकास दल और इसी मोर्चे के मुख्यमंत्री बने त्रिभुवन नारायण सिंह, जिन्होंने 18 अक्टूबर 1970 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनको शपथ ग्रहण किए हुए अभी कुछ ही महीने बीते थे कि झांसी के पुराने जनसंघ कार्यकर्ता राम प्रकाश गुप्ता ने एक पिटीशन दाखिल कर दी। उनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सदन का सदस्य होना ज़रूरी है और वो जो 6 महीने में सदस्य बनने की अर्हता वाला नियम है वो मंत्रियों के लिए है, मुख्यमंत्री पर ये अप्लाई नहीं होता, इसलिए त्रिभुवन नारायण सिंह की राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्ति को खारिज किया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने सुनवाई की, राम प्रकाश की अपील को खारिज कर दिया। लेकिन इतना तो स्पष्ट था ही कि त्रिभुवन को 6 महीने के भीतर या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना था। 1967 में सिर्फ इंदिरा या कांग्रेस ही कमज़ोर नहीं हुई थी, कई लोगों की सियासी महत्वाकांक्षाएं जो वर्षों से लंबित थी वो भी पूरी हुई थी। ऐसे ही एक शख्स थे गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजय नाथ, जो पिछले 2 चुनावों में खेत रहे थे, लोकसभा नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन 1967 में वो चुनाव जीते गोरखपुर की सीट से और उसके बाद 1969 में उनका देहांत हो गया। देहांत के बाद जब गोरखपुर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, तब हिंदू महासभा के टिकट पर मैदान में उतरे उनके मठ के उत्तराधिकारी महंत अवैद्यनाथ। महंत अवैद्यनाथ का सियासी करियर 7-8 बरस पहले शुरू हो चुका था। 1962 में वो पहली बार गोरखपुर की मणिराम विधानसभा से चुनाव लड़े थे और जीते थे। उन्होंने 67 और 69 के विधानसभा चुनाव में भी इस जीत को दोहराया था। 1970 में जब गोरखपुर की लोकसभा के चुनाव हुए तो महंत अवैद्यनाथ ने आसानी से जीत दर्ज कर ली। अब उनको मणिराम की विधानसभा सीट से इस्तीफा देना था। उन्होंने ये सीट खाली की। हिंदू महासभा जनसंघ के प्रभाव में थी और इस संयुक्त विकास दल के करीब खुद को पाती थी। ऐसे में महंत अवैद्यनाथ ने त्रिभुवन नारायण सिंह को न्योता दिया मणिराम विधानसभा के उपचुनाव में उतरने का। त्रिभुवन नारायण सिंह आज़ादी के पहले से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उन्होंने कांग्रेस की कुछ रवायतों को गौर से देखा, परखा और अपनाया था। उन्होंने देखा था कि उपचुनावों में कभी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री प्रचार करने नहीं जाते हैं। त्रिभुवन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्हें तो महंत अवैद्यनाथ का ये भरोसा भी हासिल था कि मणिराम मठ की सीट है, मठ के प्रभाव वाली सीट है, आपको सिर्फ पर्चा भरने की देर है, जीत सुनिश्चित है। मैं ये पर्चा भरने की बात कह रहा हूँ और मुझे पंजाब के उस वक्त के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का अरुण जेटली को दिया गया ऐसा ही वायदा याद आ रहा है। आप तो आइए अमृतसर से पर्चा भर दीजिए, फिर सीधे जीत का सर्टिफिकेट लेने के लिए आइएगा। मगर सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर को मैदान में उतार दिया था और उसके बाद जो हुआ था वो अगले कई दशकों तक चटकारे लेकर सुनाया जाता रहेगा। बहरहाल विषयांतर के लिए खेत वापस लौटते हैं अपने मूल किस्से पर। त्रिभुवन नारायण सिंह ने यह फैसला किया कि वो उपचुनाव में अपनी ही दावेदारी के लिए सही प्रचार के लिए नहीं जाएंगे,
लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था। वो कांग्रेस संगठन के हर नेता को उसकी हैसियत बता देने के लिए संकल्पबद्ध थी और ऐसे में उन्होंने तय किया कि छोटा चुनाव हुआ तो क्या सही, वो मणिराम में प्रचार के लिए जाएंगी। वैसे भी मणिराम का चुनाव छोटा नहीं रह गया था क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा था और मुख्यमंत्री का मुकाबला करने के लिए इंदिरा गांधी ने किसी हैवीवेट को मैदान में नहीं उतारा, उन्होंने मैदान में उतारा अपने वफादार लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और अब कांग्रेस आर में आ चुके रामकृष्ण द्विवेदी को, जो पेशे से पत्रकार थे और अमर उजाला नाम के अखबार की गोरखपुर यूनिट से जुड़े हुए थे। पत्रकारिता के साथ त्रिभुवन नारायण सिंह का भी ताल्लुक था। वो नेहरू के शुरू किए हुए नेशनल हेरल्ड अखबार में कुछ बरसों के लिए चीफ सब एडिटर के पद पर तैनात रहे थे। तो अब ये दो पूर्व पत्रकारों का मुकाबला था, तो अब ये दो कांग्रेसों का मुकाबला था और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह और गोरक्षपीठ के नए मठाधीश महंत अवैद्यनाथ की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। और फिर आया चुनाव के नतीजों का दिन। इस ग्राफिक्स प्लेट में देखिए किसको कितने वोट मिले। कांग्रेस ओ के प्रत्याशी त्रिभुवन नारायण सिंह को मिले 17,137 वोट। कांग्रेस आर के प्रत्याशी रामकृष्ण द्विवेदी को मिले 33,230 वोट। जिस वक्त मणिराम विधानसभा में हुए उपचुनाव के नतीजों का ऐलान हो रहा था, उस वक्त लखनऊ में विधानसभा का सत्र चल रहा था। राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ चुके थे और उस पर चर्चा हो रही थी, तभी सदन में सूचना आई मुख्यमंत्री के चुनाव हारने की। और जो चर्चा राजनीतिक शिष्टाचार का एक एक्सटेंडेड वर्जन मानी जाती थी, जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होती थी, थोड़ी बातें कही जाती थी, थोड़ी सुनी जाती थी, उसका माहौल एकदम से बदल गया। सबको इस बात का इल्हाम हो गया कि सरकार गिर चुकी है। किसी के माथे पर नए चुनाव की आशंकाएं थी तो किसी के गालों पर नए राज तिलक की संभावनाओं का आभास। त्रिभुवन नारायण सिंह के इस्तीफे के बाद विधायकों में नए सिरे से भगदड़ मची, नए सिरे से राजनीतिक प्रतिबद्धताएं बदली गईं और फिर कुछ ही हफ्तों के बाद मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुए इंदिरा गांधी के वफादार कमलापत त्रिपाठी। हालांकि कमलापत त्रिपाठी भी पूरे कार्यकाल तक नहीं रह पाए और चुनाव से कुछ महीने पहले इंदिरा ने उन्हें केंद्र में तलब कर लिया और उनकी जगह हेमवती नंदन बहुगुणा को मुख्यमंत्री तैनात कर दिया। इंदिरा गांधी से ये पूछा गया बाद में कि आप एक विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार करने क्यों चली गई। इंदिरा का जवाब था, कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता, हर छोटा चुनाव एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की हैसियत रखता है और मुझे ये पता था कि मणिराम विधानसभा में यदि कांग्रेस आर ने अपनी क्षमता साबित कर दी तो इसका असर कुछ ही महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। और ये कांग्रेस की भविष्यवाणी, ये इंदिरा की भविष्यवाणी सही साबित हुई क्योंकि 1971 के चुनाव में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। उसने नारा दिया इंदिरा हटाओ, इंदिरा ने मुस्कुराते हुए काट पेश की गरीबी हटाओ। गरीबी का तो नहीं पता, मगर इंदिरा की जो सियासी ताकत की गरीबी थी, जो पिछले 2-3 बरस से घर कर गई थी, वो ज़रूर दूर हो गई और वो अपने दम पर सत्ता में लौटी। और त्रिभुवन नारायण सिंह, उनका क्या हुआ, वो कुछ वर्षों के लिए राजनीतिक वनवास में चले गए और उनका पुनर्वास हुआ जब उनके पुराने मित्र भारतीय क्रांति दल के चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के समर्थन से, इंदिरा के समर्थन से कुछ महीनों के लिए। तब उन्होंने त्रिभुवन नारायण सिंह को पश्चिम बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा और ये राजनीतिक शिष्टाचार ही था या पुराने संबंधों की दुहाई कह लीजिए कि इंदिरा गांधी जब सत्ता में लौटी तो उन्होंने जनता पार्टी के शासनकाल में हुई ज़्यादातर नियुक्तियों को निरस्त कर दिया, कई सरकारों को भी बर्खास्त किया, लेकिन त्रिभुवन नारायण सिंह 1981 तक बतौर गवर्नर पश्चिम बंगाल में
काम करते रहे। सियासत की कहानियां यूं ही लगातार आपको सुनाता रहेगा thelallantop.com। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन दोस्तों की सियासत में दिलचस्पी है उन्हें टैग करें, मेंशन करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर अवगत करवाएं। जो साथी यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं और पॉलिटिकल किस्सों के फैन हैं, शौकीन हैं या पहली मर्तबा ऐसे किस्से देख रहे हैं, अगर उन्हें ये किस्से पसंद आए तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी कि घंटी के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी पॉलिटिकल किस्सा अपलोड हो आपको फौरन से खबर हो जाए। शुक्रिया।